इस वक्त हमारे प्रोफेशन में सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस आर ऑन द राइस यस बट नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट एंड स्पेशली द वुमेन डोट वॉन्ट टॉक अबाउट इट बिकॉज दे नो yes. कि एक उनकी बदनामी होगी और दो कुछ होगा नहीं बिल्कुल जो लोग कर रहे हैं ये हरकतें उनको बार बचा लेगी या उनको कोर्ट बचा लेगी तो वो सामने नहीं आती असलम नाजरन कानूनदान की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ इस एपिसोड का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है ना ही वकला हज़रा के लिए जनरली बट मेरे ख़्याल से यंग लॉयर्स और जो मेरे यंग साथी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आज का टॉपिक जो है इस एपिसोड में वो है बार काउंसल्स और बार एसोसिएशन के रोल के हवाले से उनका क्या किरदार है क्या अहमियत है और क्या फ्यूचर है इसका इस हवाले से आज हमारे साथ जो बात करने वाले हैं जो गेस्ट हमारे साथ है, वो है गे UH, pulley, हैं वो है हैं मिस्टर तहमास रशीद रिजवी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अस्सलाम वालेकुम तहमास असलम तमासम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है तो आ, जैसे कि मैंने टॉपिक को अनाउंस किया बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का रोल क्या है आ, पहले आप हमारे व्यूवर्स को स्पेशली जो यू नो लॉ स्टूडेंट्स हैं या यागर लॉयर्स हैं उनको अगर ये बताएं कि बार एसोसिएशन क्या है बार काउंसिल क्या है इनमें क्या फ़र्क है और इनका क्या किरदार है थैंक यू मैडम देखें जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करती हैं वो काउंसिल्स हैं सारी आप इनिशियली अपने प्रोविंस में जहां आपने पढ़ा होता है वहां इनरोल करते हैं तो आपकी प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है आपको इन करती है हमारे यहाँ सिंध बार काउंसिल है कराची में पूरे सिंध के लिए पंजाब में पंजाब बार काउंसिल है एंड सो एंड सो फोर्थ जब आप हाई कोर्ट के लेवल को क्रॉस करके अप्लाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट में देन यू अप्लाई इन द पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर टू बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट के रोल को जो है रेगुलेट करती है ये एक स्टैचुट्री बॉडीज़ हैं इनके अपने स्टैचुट्री रूल्स भी हैं जो पूरे प्रोफेशन को और उसके कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं जहाँ तक बार एसोसिएशंस का ताल्लुक है हर डिस्ट्रिक्ट हर तालुका में एक बार एसोसिएशन है और उसका मेन पर्पस होता है कि जो वकला वहाँ काम कर रहे हैं हमारे बहन भाई उनको फैसिलिटेट करें उनकी चीज़ें देखें जो उनकी मुश्किल हैं उनको देखें उनको और ट्राई टू बी द ब्रिज बिटवीन जुडिशरी एंड द बार बहुत सारे आपके डे टू डे मसाइल होते हैं जो आपकी एक स्ट्रेचरी बॉडी जो रेगुलेट कर रही है आपके प्रोफेशन को वो नहीं देख सकती तो उन सारी चीज़ों को देखना ग्रास रूट लेवल पर बार एसोसिएशन करती हैं दैट्स अ वेरी क्लियर कॉम्प्रिहेंशन तो ये क्या किसी जैसे आपने कहा स्टैचूटरी बॉडी है बार काउंसिल तो कोई कानून है जिसके थ्रू ये बनाया गया है uh, ऐसी चीज़ जो कि हम लॉयर्स जिसको जिसको देख सकें खोल के एज ए किताब जिसमें लिखा हुआ होके क्या करदार है और क्या एज एन एडवोकेट फिर हमारा रोल है देखिए पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिस बार काउंसिल एक्ट है आ, जिसने पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविशल बार काउंसिल्स को क्रिएट किया है फिर हर प्रोविंस के अपने रूल्स हैं और अपनी स्टेचरी बॉडी जो क्रिएट हुई वे थ्रू दिस एक्ट उन रूल्स को पढ़ेंगे उसके अंदर आपको प्रोफेशनल कंडक्ट भी मिलेगा आपको इनरोलमेंट की सारे बेसिक क्राइटेरिया आ, मिलेगा कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए कितनी इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आ, वो ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी रिकगनाइज़ की जाती हैं हर आ, प्रोविंशल बार काउंसिल जो है देव अ सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच दे रेकगनाइज आइदर इन द प्रोवेंस पाकिस्तान बार काउंसिल इन द इंटायर कंट्री एंड ऑल्सो अब्रोड सो ये जो अगर आप बेसिक लीगल प्रैक्टिस बार काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको एक ओवरऑल प्रस्पेक्टिव मिलेगा बट यू हैव टू रीड इट इन कंजंक्शन विद द रूल्स जो इनके रूल्स भी हैं प्रोविंशल रूल्स भी हैं और आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के अपने रूल्स भी हैं ठीक है सो so, uh, अभी अगर हम देखें कि बार एसोसिएशन का जो आपने एक किरदार बताया कि uh, लॉयर्स को फैसिलिटेट करते हैं जो लॉ लॉ ग्रेजुएट्स हैं न्यूली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट इन एडवोकेट्स हैं सो पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप अगर कोई ऐसे मसाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि रेगुलर एडवोकेट को फेस वो करते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या वो सॉल्व हो चुके हैं मसाइल uh, अगर नहीं हुए तो उसके क्या सोल्यूशन आप प्रपोज़ करते हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए मैडम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सिंस आई गॉट एंड ओल्ड मसाइल मैं समझता हूँ दिन ब दिन बढ़ते गए uh, पहले कंपेरेटिवली कम प्रॉब्लम्स थी uh, एक आपके पास इंस्टीट्यूशन था जो अच्छा ऑटो पे चल रहा था बट विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंगस है इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा मसला हर प्रैक्टिसिंग वकील को फेस uh, हो रहा है वो ये है कि के वो केस प्रोसीड नहीं करते देखिए मेरी और किसी भी और वकील की अहमियत यही है माशरे में कि मैं किसी लिटिगेंट के बिहाफ़ पे किसी अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे आई कैन गो एंड गेट अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम कोर्ट जो उसको रिलीफ दे रहा होगा जो उसके हक में कोई बात कर रहा होगा अगर मैं वो ऑर्डर नहीं लेकर आ सकता या टाइमली नहीं लेकर आ सकता तो फिर मेरा और इस प्रोफेशन का कोई फ़ायदा नहीं एक रैंपेंट करप्शन है लोअर जुडिशरी में जहाँ आप देख सकते हैं कि मिडल मैन जो आपका लॉयर है वकील वो एलिमिनेट हो गया है और करप्शन uh, की बुनियाद पे जो आम लिटिगेंट है वो ऑर्डर्स ले रहे हैं ऊपर की सतह पे अगर आप देखें हाई कोर्ट में तो सबसे बड़ा मसला ये है कि केसेस नहीं चलते हैं। आप हर रोज जाएं और मायूसी का आपको सामना होता है अगर uh, केस चल जाए इत्तेफाक से तो फिर ये भी आपको मसाइल पेश आते हैं कि किस तरीके से चंद जज हज़, हजरात जो हैं आपसे पेश आते हैं आ, हमारे पास ये भी देखने में आया है कि कुछ जज हजरात जो हैं बहुत ही बदसलूकी से पेश आते हैं ये भी मसाइल हैं ये मैं समझता हूँ मसाइल ज़्यादातर जूनियर वकला के जो सीनियर वकला हैं जिनकी मैं समझता हूँ एक फ़ेस वैल्यू एक स्टैंडिंग है आई थिंक द गेट अवे क्लिन जो गुस्सा होता है वो जज हजरात यंगस्टर्स पे करते हैं या पे करते <laughs> हैं तो मैं मैं समझता हूँ ये सरासल नासाफ़ी है और ये मैं समझता हूँ एक मेजर प्रॉब्लम है आज प्रैक्टिसिंग वकील के लिए आप देख सकते हैं कि आजकल बार जो है आपकी फ़ोकस्ड है किसी और इश्यूज पे हमारे पास एक और भी मसला है आ, कुछ सालों पहले एक जुडिशल पॉलिसी आई थी हमारे पास जिसने केटर किया वर्क लोड को जजेस के कि जज के ऊपर एक कितना वर्क लोड आप डाल सकते हैं उसके तहत तीस चालीस केसेस या अराउंड अबाउट दिस अमाउंट ऑफ केसेस डेली फिक्स हो सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि कुछ जज हजरात वो केसेस साढ़े आठ बजे अगर वो बैठ गए तो साढ़े नौ दस बजे तक ख़त्म हो जाते जी उसके बाद आपको नज़र आ रहा है एक विजिबल के डेढ़ बजे तक का जो टाइम है इसमें वो और केसेस ले सकते थे डिस्पोज ऑफ हो सकते थे सुनवाई लेकिन वो केसेस नहीं आते आपका रोस्टर का एक मेजर इशू है हाई कोर्ट में केसेस आप फिक्स नहीं करवा सकते अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी अब आपका एक सिविल सूट चार दफ़ा पहले डिस्चार्ज होगा पाँचवीं दफ़ा लगेगा हुँ। जिस दिन लगेगा आप अगर खुश नसीब हुए और वह सुबह में ही डिस्चार्ज नहीं हो गया तो फिर वही बात आती है कि अगर लेट आया हुँ। तो आपका मैटर नंबर चला जाएगा, चला जाएगा नहीं होगा रिजो तो ये एक आई थिंक ऑन गोइंग हैं इस वक्त जो हर वकील को फेस uh, करने पड़ रहे हैं ये पहले कम हुआ करता था मे बी बिकॉज के आई थिंक पहले कम हुआ करते थे वकील और केसेस कम हुआ करते थे अब हम 21वीं सदी में हैं हमारा प्रोसीजर कोड अभी भी 1902 का है जो चल रहा है हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी हम अभी तक जो रस्सी में फाइलें बंद रही हैं हमने कोई नया मीडियम नहीं सोचा कि हम इसको किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो so, सुतमा साहब मैं आपसे ये पूछूंगी कि आ... आपने ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की ये जैसे मैंने कहा आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट मेरे ख़ुद के यंग डिफरेंट साथी हैं वो भी इसी का ही विक्टिम है एंड अ लॉर्ड ऑफ देम हैव लेफ्ट प्रैक्टिस आल्सो सम ऑफ देम हैव चोजन सम अदर प्रोफेशन ऑल टुगेदर तो आप क्या प्रपोज करते हैं कि आप डिजिटाइज़ करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं जैसे कि अगर नंबर आ रहा है किसी का तो बाहर एक स्क्रीन लगी और हो और उसमें नंबर टू नंबर थ्री ताकि हमें भी पता हो हमें बार बार अंदर जाके बैठना ना पड़े डिफरेंट चीज़ें हैं सो so, आप क्या प्रपोज़ करते हैं देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट हमें वी हैव टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकिन हमें पहले अपनी बेसिक्स दुरुस्त करनी पड़ेंगी अगर आपने एक इमारत खड़ी करनी है तो आपको पहले अपने फाउंडेशंस सेट करने पड़ेंगे आप जितने भी एप्स क्रिएट कर लें टेक्नोलॉजी इंजेक्ट कर लें अगर फिर भी जज हजरत केस नहीं चलाएँगे आपको पता है कि आपका बाहर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है उस उसमें सोलह नंबर चल रहा है आप नेक्स्ट हैं आ भी गए आपको पता चल गया आप टाइम पे भी पहुंच गए नहीं चलता फिर आप क्या करेंगे आई थिंक एटीट्यूड ऑफ जजेस इज आर फर्स्ट एंड फॉर सो उसको कैसे आप फिर चेंज करेंगे देखिए आपके, तो, आपके और मैंने तो सर ये भी सुना है कि आई थिंक देर आर टू फोर्टीन हाई कोर्ट और अभी तक वो भी फिल नहीं हुई है एंड देर इज अ ऑफ वर्क लोड एज वेल सो What's the, yes. what's the so, uh, देखें वर्कलोड तो बढ़ता जाएगा आपका पॉपुलेशन uh, बढ़ रही है ईशूज़ डे टू डे बढ़ रहे हैं uh, इस वक्त टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दे सिक्स वेकेंसी इन हाई कोर्ट और uh, सातवीं hmm. मेरे ख़्याल में फेब में हो जाएगी और एक अभी अगर एलिवेशन हो गई हमारी एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब की hmm. तो फिर वो पहले हो जाएगी और फिर आठवीं आपको अगले okay. म, साल के शुरू में ही मिल जाएगी आपको तो ये जो आठ नौ वेकेंसीज़ हैं ये एक मैं समझता हूँ फ़ौरी तौर पे हमें इनको फिल करना चाहिए मेरिट पे। हमारा जो वेकेंसीज़ का भी एक uh, मसला है जो नहीं होती हैं टाइमली वो ऑल्सो इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर आर लॉयर्स इस वक्त आपने पाँच तो रख दिए हैं जजेस ओरिजिनल साइट पे लेकिन एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता है और इसमें सबसे बड़ा मसला ये कि एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए आपको कमिश्नर अपॉइंट करवाना पड़ता है और कमिश्नर जो है पर विटनेस आपकी फ़ीस लेता है ये एडिशनल कॉस्ट है ना सिर्फ वकील पे बल्कि एक आम लिटिगेंट पे वैसे ही जो केस था सिविल सूट जो आप पहले चार या पाँच साल में डिस्पोज ऑफ कराते थे आज उसको दस से बारह साल लगाए सो अपॉइंटमेंट्स तो करनी चाहिए जल्द करनी चाहिए लेकिन अपॉइंटमेंट्स के साथ साथ एज आई सेड मैं समझता हूँ इधर बार एसोसिएशन का और काउंसिल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दे नीड टू प्ले दैट ब्रिज बिटवीन द लॉयर एंड द बेंच अगर तो बेंच हमारे मसले नहीं समझ पाएगी अगर आप उनके साथ बैठ के ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर सकते तो फिर वो बैठ के सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं और एज़ फार एज़ द बार काउंसिल एंड एसोसिएशन कंसर्न फिर मैं समझता हूँ हमें एक चोज़न रिप्रजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक आम वकील को कोई फ़ायदा एक अच्छे सोफ़े से और एक अच्छे एसी से अगर वो सुबह आए और वहाँ काम ना कर पाए अपनी रोजी रोटी अगर वो खुद कमाना शुरू हो जाए इज्जत से तो मैं समझता हूँ वो ये चीज़ें खुद कर सकता है मैं समझता हूँ कि हमें जुडिशरी के साथ बैठ के एक नया मॉडल इख्तियार करना पड़ेगा मैं समझता हूँ दे ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर्स एक इंडिपेंडेंट एक एफिशेंट जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बार और बेंच साथ चलें बार हैज़ टू स्पीक एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑल दिस थिंग दैट इज़ कंटिन्यूसली हैपनिंग अगेंस्ट द मेम्बर्स मैं ये भी समझता हूँ कि देखें ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीनस की बात की है ये बार या बार काउंसिल्स जो हैं ऑन देयर ओन नहीं कर सकते कॉज hmm. लिस्ट बनती है हाई कोर्ट से हमारा एक बार एसोसिएशन का अग्रीमेंट है विद दी हाई कोर्ट कि वो हमें प्रोवाइड करेंगे हम उसको ऑनलाइन डालते हैं hmm. वेबसाइट पे कुछ फिर उसके लिहाज से मैसेजेस चलते हैं कुछ को कॉज लिस्ट प्रिंट में मिलती है ये चीज़ें कोलेब्रेशन में होती है अगर कल को हमें कोई ऐप भी डेवलप करना है hmm. हमें कोई और फैसिलिटी अपने मेहमरान को देनी है hmm. तो ये चीज़ आपकी बेंच के साथ मिल के मुशावरत के साथ ही चल सकती है बिल्कुल। so, अभी इस वक्त मैं समझता हूँ द लास्ट फाइव सिक्स ईयर्स हमारी कम्युनिकेशन डिटोरीट हुई है हमारी रिलेशनशिप विद द बेंच सिविली डिटोरीट हुई है हम कोई काम सही तरह नहीं करवा पाए जो हम चाहते थे कि हम करवाएं इस वक्त जो हमारा कंसल्टेशन रूम है वो भी टूटा हुआ पड़ा हुआ है उसको भी बनाने की बातें हो रही हैं आप, आपका आ, हमारी इस बारे में भी बात हो चुकी है आपने बहुत करीब से आ, 2007 की लॉयर्स मूवमेंट आप उसका बहुत ही अहम हिस्सा भी रहे हैं आ, तो उस टाइम से पहले उस टाइम के बाद से लेकर अब जो हमारी बार एसोसिएशन का आ, एक एडवोकेट का रोल है टू इंश्योर के डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन इंटैक्ट रहे क्या आपको लगता है कि वाट द रीज़न ऑफ द डिटोरिएशन दैट्स हैपन ओवर द इयर्स बिकॉज आपने इतनी करीब से ये होते हुए देखा है देखिए आई थिंक वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इनफ इन आर ह्यूमन रिसोर्स आई थिंक आर फोकस शिफ्टेड फ्रॉम द यूथ और जो उसके बाद एक इंजेक्शन आया यंग लॉयर्स का hmm. जिन्होंने वो ग्लैमर देखा तहरीक का अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू केटर टू दैट यूथ 2008 से लेके जब तक, तक तहरीक चली और आप देख सकते दो हज़ार ग्यारह तक जब तक इफ्तार चौधरी साहब भी मौजूद थे अपनी सीट पर तो एक बहुत बड़ा राइज आया प्रोफेशन में yes. और बहुत सारे यंगस्टर्स ने एलएलबी शुरू किया और, और सबको वकील था बनना था, 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 था सपने किया लेकिन आई थिंक जो ऑनगोइंग हमारी एजुकेशन प्रोग्रेस थी बार एसोसिएशन और काउंसिल की तरफ से उसकी तरफ से काफ़ी नेगलीजेंस आना शुरू हुई सब्सिक्वेंटली hmm. और uh, मैं नहीं समझता था कि हमारा प्रोफेशन केटर कर पाया ना हमारी अपॉइंटमेंट्स मैं समझता हूँ सही हुई मैं समझता हूँ सियासत uh, बार से निकल के बेंच के अंदर भी आ गई इससे बेंच में भी डिक्लाइन आया क्वालिटी में और बार में भी डिक्लाइन आया आई थिंक वी नीड टू री फोकस आर सेल्व टूवर्ड्स द यूथ आई थिंक दे आर आर फ्यूचर अगर आपको इस प्रोफेशन को बेहतर करना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन क्वालिटी एजुकेशन आई थिंक काउंसिल्स हैव टू प्ले दे रोल आई थिंक जो ये पाँच साल का प्रोग्राम पी बी सी ने बनाया था पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये एक अच्छा प्रोग्राम है लेकिन इनको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो सिर्फ हो सिर्फ रोड लर्निंग नहीं, हो नहीं हो कि ये आप याद करें। exactly. ये सेक्शंस याद जो हमारे पास पास एक पाकिस्तान में कल्चर रट्टा आ जाते हैं और आई थिंक दे फैकल्टी होनी चाहिए नॉट जस्ट पार्ट टाइम कमिंग इन ट्राइंग टू मेक बक हेयर उसमें भी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए

लॉन्ग रन में डेफिनेटली शॉर्ट रन में राइट नाउ येस, वी डोंट हैव परमानेंट फैकल्टी अनफॉर्चुनेटली एंड आई डोंट थिंक परमानेंट फैकल्टीज आर बींग पेड इनफ ये इतना लुक्रेटिव प्रोफेशन अब नहीं रहा है मैं समझता हूँ इनको उसमें भी फोकस करना पड़ेगा ताकि लोग so, आए और बने टीचर्स और प्रोफेसर्स बने ये yes, एंड उनको उस टम की रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए कि जी यू नो प्रोफेशन आप डिग्निटी उस वहाँ से स्टार्ट करते हो अप होल्ड करना सो द वे लॉ स्कूल्स आर नॉट रियली कनेक्टेड टू द बार काउंसिल्स एंड बार एसोसिएशन ये लियजों क्रिएट करने करना ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आई नो वेदर यू नो दिस or नॉट बट कराची यूनिवर्सिटी कुछ अर्सा पहले तक पी कराती थी लॉ में hmm. वो बंद हो गया hmm. क्योंकि उनके पास पी एच के स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए पी एच लॉयर्स नहीं थे अब ये वक्त आ गया है कि वो अपना एलएलएम का प्रोग्राम भी बंद कर रहे हमारी बार एसोसिएशन और काउंसल्स इस वक्त इस सब्जेक्ट पे खामोश हैं आई थिंक इस सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी है और एक वक्त में यही सबसे बड़ी थी अब तो मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आ गई मुल्क भर में आपके लेकिन जो डिटोरीशन हमारे अपने शहर में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं आई थिंक जो एसोसिएशन और काउंसिल ने अपना मुंह पलट लिया है इनसे आई थिंक इट्स अ स्मॉल बट अ वेरी इम्पोर्टेंट रीज़न वाई सच डिटोरिएशन हजा अगर आपकी इन्वॉलमेंट आपके अपकमिंग जनरेशन्स के साथ नहीं होगी कोई कनेक्शन नहीं होगा एंड दे विल नॉट फील कनेक्टेड विथ यू दे हैव नथिंग टू इंस्पायर कुछ कनेक्शन नहीं है कि भाई आई लुक अप टू सो एंड सो पर्सन के यार वो आए उन्होंने हमें आके कुछ चीज़ सिखाई दिस इज़ हाउ अ प्रोफेशनल शुड बिहेव प्रोफेशन में ऐसा होना चाहिए तो फिर इनको कोई राह दिखाने वाला नहीं, नहीं होगा बिल्कुल को, कोई आके वही करेंगे कि भाई किसी तरीके से एक चार पैसे जल्दी से मिल जाएं और हम आ जाएं नया फ़ोन ख़रीद लें एक नई गाड़ी खरीद लें और जो एक हमारा एक नया यूथ का रुख है नया वे निकल गया कि बस मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते रहें और अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें तो जो आपका मॉरल फैब्रिक है वो आस्ता आस्ता डिटोरिएट होता रहेगा मेंटरशिप और ट्रेनिंग की बहुत कमी रही है और आपने इसी इसी बात पे टच अपॉन किया तो आम, लेट्स से के अगर एंड इवन आई थिंक लास्ट एक दो साल में uh, सिंध बार हाईकोर्ट uh, बार एसोसिएशन ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करवाया था फॉर सिक्स फाइव डेज़ इस तरह ऑन ऑफ चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए हर हर कोई अपने टेन्योर में करता है सो व्हाट्स द रीज़न कि ये आप इसको प्रॉपर प्रोग्राम हर टेन्योर में कंटिन्यू नहीं हो सकता क्या हर कैंडिडेट कम्स विद यू नो देर ओन मैनिफेस्टो या इंटरेस्ट या फिर uh, Uh, जैसे कि आपने कहा कि सब सबका रुख बदल गया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए मैडम एज ए सैट जो प्रोफेशन को रेगुलेट करता है वो है आपका काउंसिल यहाँ ये रोल सिनबार काउंसिल को करना चाहिए काफ़ी हद तक सिन बार काउंसिल कर रहा है और काफ़ी हद तक आपकी बार एसोसिएशंस कर रही हैं ये काम आई थिंक दोनों को मिलके साथ में ही करना पड़ेगा बट दोनों की रिसोर्सेज डिफरेंट है एक स्टैचूटरी बॉडी है जिसके पास कोई फंड्स आते हैं आपकी सब्सक्रिप्शन हैं किसी के पास ईयरली सब्सक्रिप्शन हैं यहाँ एसोसिएशन की अपनी सब्सक्रिप्शन है अब फल से कॉफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तेरह सौ रुपये पूरे साल की सब्सक्रिप्शन है दैट्स जस्ट अबाउट हंड्रेड रुपीज ओवर हंड्रेड रुपीज अ मंथ इसमें आप क्या तो करती हैं कि एक बार एसोसिएशन कितना एजुकेशनल काम कर सकती है आपके लिए सिमिलरली एक बार काउंसिल की सालाना सब्सक्रिप्शन आपकी जो लाइसेंस uh, फी की है वो 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 सराउंड फाइव थाउजेंड फाइव तो उसमें भी वो कितना कुछ कर सकती हैं आई थिंक इसलिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो अकम्पलिश लॉयर्स होते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, वो हैं वो आके आपको आके कुछ डोनेशन करें अलॉट ऑफ पोलिटिकल पार्टीज टेन टू स्टेप अप एंड डोनेट तो वहाँ से आप हाँ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं अब रिसेंटली सिंध बार काउंसिल ने एक मेडिकल कार्ड निकाला था दैट वॉज कम्प्लीटली फंडेड बाई अ डोनेशन बाई डोनेशन मेड बाई द गवर्नमेंट सो वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया आपने उसको अपने बरदरी के लिए अपनी फटर्निटी के लिए आपने लगा दिया तो ये एक सेट हर कोई जो आता है वो अपनी एक नई चीज़ लिए ले लेकर आता है क्योंकि इसके कोई रूल्स सेट आउट नहीं हुए हुए जो सेट इनरोलमेंट के लिए आपने सिंबार बार काउंसिल ने अपना किया हुआ क्राइटेरिया कि आपने एक्स वाई एंड जेड पास करना है आपने एक पढ़ना है ये लोग आते हैं पढ़ते हैं और पास करके अपना वायवा दे के निकल जाते हैं और फिर मैं समझता हूँ इसके साथ साथ जो मैंने प्रपोज़ किया था अपनी कैंपेन में भी मैं बोलता कर रहा हूँ कि आई वुड आइडियली लाइक के एट अ बार एसोसिएशन लेवल वी ट्राई एंड इन्श्योर कि जो आपके साल में नए में वकील इनरोल होते हैं उनको आप प्यूपलिजिस फ्राहम करें मैं समझता हूँ दिस कैन मेक अ चेंज अगर आपको एक अच्छा सीनियर मिलता है अपने प्रोफेशन की शुरुआत में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी इट्स ऑल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस अगर आपको एक अच्छी फर्म में एक अच्छे सीनियर के साथ सीखने को मिलता है आप सारी जिंदगी कोशिश करते हैं कि यार मैं वैसा बन जाऊं अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इस वक्त आप देखें कराची में यस राइट law yes. right? उनको पता है ये आपका नहीं है। है। बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी तरफ से

द लिटिगेशन फील इन इट सेल्फ इज सो डिफिकल्ट टू नेविगेट जैसे आपने कहा कि आप जैसे मुझे तो पता ही नहीं था बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन क्या हैं क्या करते हैं मेरे ही वेलफेयर के लिए काम करते हैं और मुझे ही नहीं पता कि ये right. है क्या द ओनली टाइम आई थिंक आई वेंट टू द बार काउंसिल वॉज टू गेट अ लाइसेंस एंड आई डोंट इन वेरी ब्लर मेमोरी ऑफ मी गिविंग अ टेस्ट दैट वॉज ऑल्सो जिसके आंसर्स भी मुझे उस टाइम पे बताए जा रहे थे कि ये लिख लें इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या करती हैं क्या अच्छा लगता है दैट सेट सो इफ़ दैट्स द बार कि कोई भी आके uh, जैसे कि यू नो वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ अमेरिका इज अ प्रॉपर वेरी टफ एग्ज़ाम दैट दे हैव टू गिव एंड क्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम है सो वी वी जैसे हम डिग्निटी ऑफ़ द प्रोफेशन की बात करें तो ये फिल्ट्रेशन का सिस्टम होना भी तो ज़रूरी है बिल्कुल आपकी बात बजाय आपने अमेरिका का एग्ज़ाम्पल दिया मैं आपको पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल देता हूँ आई कैब का चार्ट hmm, अकाउंट uh, आपके चार्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन का रेगुलेटर है वो hmm. एक ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से अपने प्रोफेशन को लेके चल रहा है हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स जो यहाँ क्वालिफाई होते हैं hmm. दुनिया भर में अप्रिशिएट yes. किए जाते हैं खड़े खड़े उनको नौकरियाँ मिलती हैं दुबई चले जाता है कोई यूरोप चला जाता है कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लोकल लॉ ग्रेजुएट है उसको कराची में भी नौकरी नहीं मिलती yes. तो उसकी प्राइमरी वजह यह है कि हम लोग ख़ुद ज़्यादा सियासत में आ गए किसी तरीके से हम वोट बैंक अपना बनाए लेकिन हमने इनकी ट्रेनिंग और उनकी ग्रूमिंग के ऊपर से हाथ उठा लिया। प्रायोरिटी में ही नहीं था। वो नहीं। तो आता ही बिल्कुल नीचे है कल किसी को अगर मिल गई नौकरी तो ठीक है अदरवाइज uh, मुझे खुद ऑन वेरी ऑन डेली बेसिस आई गेट सीवीज़ फ्राम डिफरेंट स्टूडेंट्स का सिंध के अंदर ही कोई जाम शोरों से है कोई टंडो अल से है एवरी वन वॉन्ट्स टू कम टू कराची बिकॉज वो देखते हैं टी वी पर जैसे कल को कोई ये इंटरव्यू देखेगा बोलेगा देखो कितने बड़े वकील है बैठे हुए बातें कर रहे हैं मैं नहीं आप सो सो आई थिंक के uh, ये इम्प्रेशन क्रिएट होता है बट जब एंटर होते हैं प्रोफेशन में तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी शैटर हो जाती है सो so, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज आपसे कोई लेट्स ए लेवल्स और इंटरमीडिएट दे आस्क यू के शुड आई बिकम अ लॉयर इन दिस कंट्री स्पेशली इफ आई वॉन्ट टू परस्यू लिटिगेशन सो उसको आपके पास क्या जवाब होगा एट दिस मोमेंट इन टाइम नो आई डिस्करेज दम बिकॉज एट दिस मोमेंट इन टाइम आप देख सकते हैं प्रोफेशन का हाल क्या मैं समझता हूँ इस वक्त आपके सीनियर्स और जो अब आपके मिड टीयर लॉयर्स हैं आई थिंक हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इससे पहले कि ये प्रोफेशन आपके हाथों से निकल जाए आपको इस चीज़ को संभालना है आपकी यूथ आ रही है काम करने के लिए और इस वक्त काम नहीं है जो इन्फ्लेशन है जो आपके पॉलिटिकल सिनारी है जो आपका बार की सियासत का रुझान है इसमें कोई भी मैं समझता हूँ सेम माइंड में इंकरेज नहीं करेगा कि आप आए इस प्रोफेशन में ज़रूर है क्योंकि किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है स्पिरिचुअल मोनिट्री देखिए कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो ख़त्म ही हो गई है मैं नहीं समझता कि कोई इतनी कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही हैं हर जगह को वा, कोई बैठा हुआ कोई वायरीज की बात कर रहा है कि यार ये चैलेंज करें यारा है, है कि ये। हाई कोर्ट में बैठे हुए हम प्रोसीड कर रहे होते हैं मेरे साथ खुद हुआ है बहुत दफ़ा कि आई एम नॉट मेकिंग अ वेरी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट मेरी कॉम्पिटेंस तो जज नहीं हो रही है इट्स जस्ट के हाउ यू नो वेल बिहेव्ड आई एम या फिर जस्ट जनरली आपने फेस वैल्यू की बात की थी तो देर इज़ नो ग्रोथ ऑफ मी इवन लोग कहते थे ना आप हाई कोर्ट जाके बैठे हैं उस पर आप नोट डाउन करिए मैंने किया एज़ ए लॉ स्टूडेंट एज वेल के नोट डाउन करो अगर बहुत अच्छी कोई प्रोसीडिंग है मैंने सीखा है लेकिन नाउ आई एम ऑल्सो वेरी रिलेटेंट टू टेल लॉ स्टूडेंट्स और माई एसोशियट्स ऑल्सो की आप जाके बैठे हैं वो तो क्या सीखेंगे वहाँ पर कि जज चिल्ला रहा है वकील अपना चिल्ला रहे हैं इसमें सीखने को क्या है मैं जब नया नया इन हुआ था उस वक्त चीफ जस्टिस थे मरून सब्युद्दीन साहब और मेरे वाले साहब ने बोला था अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम जाके इस कोर्ट में बैठ जाया करो तो जैसे सभी दिन अहमद साहब की कोर्ट में हम अक्सर बेशतर जाया करते थे और सुनते थे और इम्प्रेस होते थे कि किस तरह केसेस चल रहे हैं उस ज़माने में शरीफुद्दीन पीरजादा साहब हफीज़ पीरजादा साहब मखदूम अली ख़ान साहब ये सब बड़े बड़े नाम आते थे और वहाँ केसेस चल, चल रहे होते थे डे टू डे बेसिस नाम अभी भी बहुत बड़े बड़े हैं जो आते हैं यहाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मायूस हो क्या बातें बहुत सारे सीनियर्स ने तो अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक अपने आप को लिमिट कर लिया है बिल्कुल क्योंकि मैंने ख़ुद देखा था एक सीनियर uh, लॉयर थे बहुत ही उनकी मैं इज़्ज़त करती हूँ उनके सामने जो है वो द, 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 द चीफ जस्टिस वॉज जस्ट वेरी बहुत गलत तरीके से आप बात कर रहे हो एक इंसान जिसकी एक लेगेसी रही है एंड दैट पर्सन इज़ मेकिंग अ वेरी फेयर पॉइंट आई थिंक आपने बहुत ही वो बिल्कुल लिहाज ही नहीं रहा जैसे ऐसा लगता है अब देखिए हमारे पास एक ट्रेंड था मैडम कि जब कोई जज रिटायर होता था तो एक रेफरेंस पढ़ा जाता था उनके ऑनर में बड़ी मायूसी हुई जब आ, हमारे हाल ही में जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए उनके लिए कोई रेफरेंस नहीं पढ़ा गया शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ सिंध और वो बहुत ही अनसेरमोनियसली रिटायर होकर चले गए और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि लोग उनसे मायूस थे जो आज वकला और बेंच के बीच में डिफरेंसेस हुए हैं बहुत सो का ये व्यू है कि ये इनकी वजह से हुआ मैं इन चीज़ों को अग्री या डिसअगरी की बात नहीं करता लेकिन मैं यही ज़रूर कहता हूँ कि एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यू कुड डन अ लॉट फॉर योर इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली ही डेंट एंड जो बाकी जज हजरात भी बैठे हुए हैं उन्होंने भी कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले किया दे कैश एन ऑन इट इन लोग की परेप्स अंदर की कोई सियासत थी या कुछ उनका था लेकिन दिन रात एक ही शिकायत थी कि कोर्ट नंबर वन में इस किस्म का बिहेवियर है कोर्ट नंबर सो एंड सो में इस किस्म का बिहेवियर है ये जज साहब सिंगल में बैठे हैं उनका ये बिहेवियर है yes. पुराना जज के पास जाओ साढ़े नौ बजे बोर्ड ख़त्म हो जाता है उनका एक आ, कोर्ट में जाए वहाँ सिर्फ पब्लिकेशन हो रही होती हैं तो ये इस किस्म का जो एटीट्यूड है yeah. आपने देखा छः साल में ये दिन ब दिन सिर्फ हुआ है yes. और दिस इज़ नॉट वेरी इनकेजिंग फॉर यंगर द यूथ ऑफ आर फर्टर्निटी वो जब इधर आते हैं कहते हैं यहाँ तो कोई काम नहीं होता इससे ज़्यादा काम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है आज आप बात कर रहे हैं कि पूरी ओरिजिनल पोजिशन जो है इट शुड भी ट्रांसफर्ड टू तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट hmm. प्राइमेरली बिकॉज वहाँ एक्चुअली काम हो रहा है जैसा तैसा काम होगा आपको पता है दो साल में सूट चल के एविडेंस रिकॉर्ड होके कोर्ट में नॉट थ्रू कमिश्नर कोर्ट में चल के ख़त्म हो जाएगा आप यू आर अग्रीव आप अपील कर सकते हैं वहाँ लेकिन इस वक्त हाई कोर्ट में तो कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आता और आपके प्रोफेशन के लिए ये बहुत डिस्करेजिंग है आप डिग्निटी की बात की आपने आपको आपने 2007 8 का मुझे रेफरेंस दिया आपको याद होगा 2008 9 10 में ये बार एसोसिएशंस वो थी जो एक आर्मी चीफ को चैलेंज करती थी आज आप एक उस पोजीशन में नहीं है कि आप एक एसएचओ को चैलेंज करें आपने अपना ख़ुद की डिग्निटी तबा बर्बाद की है कॉम्प्रोमाइज़ किया सो अब हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम जो हैं वो एक डिटेरिएशन हो गई है और सब कुछ ख़राब हो गया है अब इसको कैसे उठाएं और मेरा आपसे स्पेसिफिक जो सवाल होगा वो ये है कि जैसे कि मेरी बहुत रिसेंट इन्वॉलमेंट है आई एम स्टिल वेरी यंग लिटिगेटर इन इन दिस इंडस्ट्री मैंने जब लास्ट ईयर बार पॉलिटिक्स को जॉइन किया तो बहुत ही एप्रिहेंशन थी बहुत रिल्कटेंस थी बिकॉज जब मैंने एंटर किया प्रोफेशन तो सब कहते थे यहाँ पे तो जिसको हम कहते हैं वकला गर्दी हो रही है बार पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें होती हैं सो so, बहुत हेजिटेंट थी मैं और इसी तरह मेरे बहुत सारे कॉलीग्स भी हेज़िटेंट हैं बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जाके अगर एक दफ़ा मैं देखूंगी नहीं कि कैसे हो रहा है काम और जनरली आई वाज रियली फेड अप जिस तरह जो भी आपने सिचुएशंस बताई कि इसको अब सॉल्व तो करना है कौन करेगा हम ही करेंगे आइडियाज़ वग़ैरह एवरीथिंग द यूथ हैज़ इट यू हैव इट आई हैव इट सो व्हाई इज़ इट दैट यू नो कॉलिग्स लाइक मी और या फिर अगर आपके कॉलीग्स या फ्रेंड्स हैं दे थिंक दैट बार पॉलिटिक्स एज डर्टी इट्स समथिंग दैट यू नो पीपल आर जनरली अप्रीहेंसिव अबाउट लेकिन भाई हाँ, हम तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं बट अगर नहीं होंगे तो फिर कौन चीज़ें बदलेगा जिस किस्म का रेवोल्यूशन आप कह रहे हैं या चेंज बदलाव आप कह रहे हैं देखिए मैडम पॉलिटिक्स एनी वेयर इन दर्ल्ड इज डी आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी सतह पर किसी मुल्क में या किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव क्लीन पॉलिटिक्स बाहर की सतह पे अब इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर यंग एनर्जेटिक लॉयर्स टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्व बिकॉज हमने ये इलेक्शन एक बहुत महंगा कर दिया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है हमें एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है hmm. हमें ये जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कुछ सालों में हमें इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा आपको इन चीज़ों को खड़े होकर डिस्करेज करना पड़ेगा सियासत ये नहीं है कि आपकी बर्थडे है तो मैं आपके पास आ जाऊँ और केक काटूँ या आपकी एनिवर्सरी है या मैं वहाँ आ जाऊँ आपको बुला लूँ रेस्टोरेंट्स में और वहाँ आपको जो हूँ सेलिब्रेट करूँ ये बाहर की सियासत नहीं है यस yes, मैं समझता हूँ कि बार और बार के प्रेमसेस साफ़ सुथरे होने चाहिए क्लीन होने चाहिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आके आप रेस्ट कर सकें डेफिनेटली लेकिन बार की डिग्निटी बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार फिर जो आपके असूल थे उनको रिवाइव करें आज बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि भाई हम आपके लिए वेलफेयर के नाम पे ये कर देंगे हम आपको वेलफेयर के नाम पे वो कर देंगे इतने पैसे आ जाएंगे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वेलफेयर ये है कि आप इस प्रोफेशन को ठीक करें ये जो डिटोरिएशन आ रही है अगर आप इस वक्त नहीं खड़े होंगे इस वक्त आप अपने बेसिक असूल नहीं समझेंगे आपका जो यंग लॉट आ रही है हर रोज़ ग्रेजुएट हो के हर साल ग्रेजुएट हो के आ रही है अगर उसको ये मायने नहीं पता कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को कहते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है एंड वाई डू यू नीड एन एफिशेंट एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो फिर इन्हीं चीज़ों को बोलेगा हाँ देखें तहमास साहब आए थे उन्होंने मेरा केक काटा था मैं उन्हीं को वोट दूंगा hmm. तो वो कैलेबर अगर आप रखेंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपका प्रोफेशन ग्रो करेगा यू हैव टू इंजेक्ट चेंज योर सेल्फ आपको एक माइंड सेट को चैलेंज करना है आपको ये डे टू डे बेसिस पे हटा के चीज़ें एक ब्रॉडर पिक्चर लोगों को दिखानी है कि हम क्या कर सकते हैं हम किस चीज़ को हम चैलेंज करने जा रहे हैं हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं आज आपकी पूरी बार फ्रैक्चर्ड है हर हर छः लोग एक नया ग्रुप बना के बैठे हुए उनका एक अपना मैनिफेस्टो मेन, है वो एक अलग चीज़ करना चाहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इन लोगों को गैदर करें एक यूनाइटेड बार को लेकर आए बार ये वो बार थी जिस तरह मैंने अभी कहा कि जिसने एक सिटिंग आर्मी चीफ को चैलेंज किया था अब yes. आने वाला दौर और भी डिफिकल्ट है 2008 में 2007 में जो आपने अभी बात की आपको आपका अपोनेंट नजर आता था सामने hmm. इस वक्त एक हाइब्रिड सिस्टम इस मुल्क में है yes. जिसको आपको चैलेंज करना है hmm. जिसमें आपको आपका दुश्मन नजर नहीं आता hmm. आपको लेकिन वो माइंड अपने ख़ुद के फटर्निटी में नज़र आता है आपकी सफ़ों में वो घुस चुके वो आपके इंस्टीट्यूशन में yes. ये चीज़ें मैं समझता हूँ हर उस लॉयर को पता होनी चाहिए जो बाहर की सियासत में आना चाहता है एज आई सेड के एक हाइब्रिड सिस्टम इज़ नाउ इन प्लेस और वो आपको अब चैलेंज करना है ये चीज़ें एक यंग वकील नहीं समझ पा रहा क्योंकि आपने उसका फोकस उस चीज़ों से हटा दिया है और बोला है कि अब हमारा काम है कि हम आपको एक अच्छा ए और एक अच्छा सोफ़ा दें ना वो कमा पा रहा है कोटों में ना उसकी वो समझ आई है कि हमें करना क्या है किस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है किस चीज़ के लिए जंग लड़नी है yes. सो so, ये चीज़ दिस ऑल लीड्स टू दैट डिटोरिएशन इन आर प्रोफेशन विच बीन टॉकिंग अबाउट एंड आई थिंक के बिकॉज आपने कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं प्लस आई थिंक सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ लॉर्ड ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसकोर्सिज़ विच इज़ नॉट हेल्पिंग एनी वन इट्स क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन अमंग्स दस आई थिंक कि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी सिर्फ नेविगेट करने में लीगल इंडस्ट्री में कि कौन सा विच लॉयर शुड जॉइन या अगर मुझे किसी को जॉइन करना है तो उनको उनको मैं कैसे रीच आउट करूँ अगेन इट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड दैट सो यंग लॉयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं हैं और आपने कहा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और डिस्करेजिंग माहौल है इन दीज डेज एंड आई एग्री विद एब्सोल सो द टू दिस दिसन डू यू हाउ डू यू नो हम लोग प्रिवलिज हैं आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट माई डू वकालत बिकॉज आई हैव अ पैशन फॉर इट बट जब तक आपका अगर पेट पूरा नहीं है तब आप पैशन को कैसे कंटिन्यू कर सकते हो इज़ नो सस्टेनेंस मॉडल Um, so, what should the young lawyers really do? If would you advise that they should continue vakalat, or if they should continue vakalat, focus only on training, but have let's say a teaching job or uh, some freelancing work or something that's paying their bills? So, what what's the way forward? I just want to make it easy for the younger lawyers. You know, my colleagues, new ke liye. I think first and foremost, I think they should reach out to their bar associations. Uh, ये ये आई एम श्योर सब लोग सुन रहे होंगे मुल्क भर में आई थिंक फर्स्ट एंड आपकी बार एसोसिएशन हैव टू प्ले दिस रोल मैं इंक्रेज नहीं करूँगा कि कोई सेकेंड जॉब लें अनलेस यू आर एक्चुअली टीचिंग आई थिंक टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड जो पढ़ा सकता है उसको पढ़ाना डेफिनेटली चाहिए uh, लेकिन एज आई सेड ये इतना आपकी इनकम को सब्सिट्यूट नहीं करता इस वक्त एंड uh, मैं समझता हूँ कि अगर बार एसोसिएशंस कैन प्ले अ रोल द बिगेस्ट वेलफेयर दे कैन डू फॉर दीज यंगस्टर्स इज़ के दे फिक्स द यस। yes. अगर आपका सिस्टम ख़ुद फिक्स होगा तो आपके वकीलों को दूसरी नौकरियाँ भी नहीं करनी पड़ेंगी उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि बैलेट में उनका कोई प्लॉट निकला है एसोसिएशन के उसमें या कोई घर बना के देगा या कहीं से कोई इनको स्कीम मिल जाएगी बार एसोसिएशन से अगर आप उनको ख़ुद ट्रेन कर दें अगर आप उनको काबिल बना दें प्रोफेशन ठीक कर दें तो ये सारी चीज़ें वो खुद अपने बलबूते पे कर सकते हैं मैं समझता हूँ वी हैव अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल ये जो आने वाले हर साल इलेक्शंस होते हैं इसमें बेतहाशा कमिटमेंट्स होती हैं आई थिंक एक कमिटमेंट हम सबको अपने आप से करनी पड़ेगी कि वी हैव टू डू सम फॉर आर ओन प्रोफेशन वी हैव टू डू सम फॉर आर ओन इंस्टीट्यूशन अगर आपको ये इंस्टीट्यूशन को बचाना है अगर आपको इस प्रोफेशन को बचाना है इसकी डिग्निटी के लिए काम करना है देन यू हैव टू टेक इट अपॉन योर सेल्फ नॉट जस्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन के मैं अब तमाश ने बोला था पॉडकास्ट में तो मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा और ठीक करूँ ये आप बग़ैर इलेक्शन किए हुए भी कर सकते हैं But the nobody really wants to take the responsibility. And I'll tell you, I was at a um, podcast uh, um, and this obviously is a segue to another um, uh, element that I wanted to discuss. कि जो यंग लॉयर आता है चलो वैसे तो उसको प्लेसमेंट नहीं मिलती है लेकिन अगर वो प्लेसमेंट उसको मिल जाती है स्टार्ट्स ही और शी स्टार्ट्स अ जॉब एट अ लॉ फर्म तो या तो पे उसको मिलती नहीं है सैलरी दे नो सैलरीज या तो फिर मिलती है तो चलिए दस हज़ार दे दिए या फिर टोकन मनी दे दी या फिर कभी दिए कभी नहीं दिए सो द यंग लॉयर अ फ्रेश ग्रेजुएट इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स के सिखाने को भी शायद ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं मिल रही सीनियर से uh, फिर पैसे भी नहीं मिल रहे हैं बट एवरी सिंगल डे देर सिटी जा रहे हैं हाई कोर्ट से स्पेशल जा रहे हैं फैसल नकवी नाम है उन लॉयर का उनका बहुत फेमस एक आर्टिकल है uh, उन्होंने कहा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है वो एक नेट लॉस होता है टू लॉ फर्म एंड uh, उस पर बहुत डिबेट चली uh, मैंने भी उस पर काउंटर पीस लिखा uh, तो इस तरह का जो कंडक्ट है कमिंग फ्राम यू नो वेरी टॉप लॉयर्स रिस्पेक्टेड लॉयर्स कि फ्रेश ग्रेजुएट्स नेट लॉस हैं और दे शुडेंट बी रियली पेड बिकॉज दे आर सीन एज अ नेट लॉस सो डोंट यू थिंक सीनियर्स को भी सीनियर्स की जिम्मेदारी लेने को जो आपने मैंशन किया कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो उसके लिए वो भी शायद रेडी नहीं है या लेना नहीं चाहते या मे बी देर मेड अलॉर ऑफ डॉलर सो दे डोंट रियली देर नॉट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द जनरेशन इंडस्ट्री बेसिकली नहीं मैडम ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक अप्रोच है अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है ठीक है आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू पे बैक जिस प्रोफ़ेशन से आपने कमाया है ना सिर्फ पैसा बल्कि नाम भी ये अब आप पे लाज़िम है कि आप उस प्रोफ़ेशन को बेहतर भी करें मेरी चंद सालों की स्टैंडिंग में मैं ये समझता हूँ कि मेरी ग्रूमिंग ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि हम हर वकील को जो हमारी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस वकील को भी जहाँ से भी पढ़कर आता है नॉट जस्ट फ्रॉम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर इन कराची इन सिंध कि आपको आए उसको आप बेसिक ट्रेनिंग दें ये नेट लॉस नहीं है दिस इज़ योर बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आज आप बैठे हुए ये बोल रहे हैं कि ये नेट लॉस है दस साल बाद आप रोएंगे या दिस प्रोफेशन इट्स नाउ डिस्ट्रॉइड इट्स बिकॉज यू नेवर कॉन्ट्रीब्यूटेड यू आर ओनली लुकिंग फॉर अट प्रोफिट अगर आप उस वक्त इन्वेस्ट करते अपने इस प्रोफेशन में अच्छे वकील आते आपसे सीख के तो आज ये प्रोफेशन बेहतर होता अलहदुल्ला आज आप जाएँ मार्केट में आपको बेतहाशा वकील मिलते हैं कोई बोलेगा मैं मखदूम अली खान का जूनियर हूँ कोई बोलेगा मैं हफीज़ पीरजादा साहब का जूनियर हूँ कोई बोलेगा मैं मुनीर अहमद मलिक का जूनियर हूँ ये वो बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने बेतहाशा वकीलों को ट्रेन करके मार्केट में लेकर आए वो जजेस भी बने कुछ सुप्रीम कोर्ट तक गए ये इनकी कंट्रीब्यूशन है क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी जो हमने अपने बड़ों से सीखा है वो हम किसी यूथ को किसी यंग मेम्बर ऑफ़ द फटर्निटी को सिखाए यू आर एब्सोलूटली राइट एंड है बहुत बात ये कि फैसल नकवी ही महदूम अल खान साहब एंड अवेयर। सो कमिंग टू अगैन थोड़ा सा बस और बात करेंगे अबाउट यंगर लॉयर्स बहुत ही देन आफ्टर दैट आई आस्क यू क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू अस विमेन लॉयर्स एंड हमारी स्ट्रगल्स पर फिर बहुत ही एक लंबा एक और हमारा लगता है सेपरेट पॉडकास्ट भी हो सकता है सो वैन आई सी माई एसोसिएट एंड आई एम आई एम इन इट्स बिन सिक्स ईयर्स इन द प्रोफेशन फॉर मी उसके जो रूच इज माई एसोसिएट सो उनके जो चैलेंजेस हैं इन द फील्ड

कि बहबूद की बात करते हैं कि वो आती हैं सरवाइव कितना सा करते हैं मैंने आ, बार बार ये कहा है कि एक बहुत टैबूड चीज़ है कोई बात नहीं करता लेकिन इस वक्त हमारे प्रोफेशन में सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस आर ऑन द राइस यस बट नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट एंड स्पेशली दुमेन डोंट वॉन्ट टॉक अबाउट इट बिकॉज दे नो yes. कि एक उनकी बदनामी होगी और दो कुछ होगा नहीं बिल्कुल जो लोग कर रहे हैं ये हरकतें उनको बार बचा लेगी या उनको कोर्ट बचा लेगी तो वो सामने नहीं आती अब जिया मखदूम साहब हमारे फॉर्मर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थे तो इन्होंने एक चेंज लेकर आए थे बार एसोसिएशन में एक खुतिन की पोस्ट है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी की मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इस पोस्ट को आप इस्तेमाल करें फॉर स्पेसिफिकली दिस बर्पस कि खवतान आएं और उस पोस्ट पर जो खातून बैठी हुई होंगी उनके साथ जो प्रेजिडेंट सेक्रेटरी है, एक कमेटी बनाएं जो इन चीज़ों को एड्रेस करें जिनसे वो बात कर सकें अगर देखें उससे पहले होता था जैसे एज ए सैट कि मेल डोमिनेट प्रोफेशन है जीत के भी सारे मर्द आते थे तो खातन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था किससे जाके बात करें अब आपके पास एक स्पेसिफ़िक सीट अवेलेबल है और ये एक मेंबर मैनेजिंग कमेटी की नहीं है एक जॉइंट सेक्रेटरी की है yes. तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ एक कमेटी बनाई जाए और इन चीज़ों को स्पेसिफिकली डील किया जाए इनकी आवाज़ बनी जाए तो ये चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं और ख़वान जो आ रही हैं यंग उनको एक इंक्रेजमेंट मिलेगी कि भाई yes. हमारे लिए हमारे पीछे हाई कोर्ट बार के अंदर कोई एक बड़ी शख्सियत बैठी हुई है जो हमारी मदद करेगी बिल्कुल सो इसके साथ साथ देखिए खातीन के सिर्फ ये मसले नहीं हैं और भी बड़े मसाइल हैं आपने थोड़ी देर पहले एक बेसिक सैलरी की बात की हमने ये भी प्रपोज किया है कि अब आप जाएं बाहर लेबर का एक बेसिक पे स्केल डिफाइंड है कि उनको कितना पर मंथ पर वीक मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो आपका यंग वकील है उसको शायद आपके ड्राइवर से कम सैलरी मिल रही है आई प्रपोज एटलीस्ट ऑन माई लेवल कि आई थिंक वी शुड हैव अ बेसिक पे स्केल फॉर द यंग हु कमिंग इन इट्स अ डबल एज शॉर्ट बिकॉज यस आपका सीनियर जो है वो कहता है कि मैं सिखा भी रहा हूँ मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो इनको जो है मेरा शुक्र गुजार होना चाहिए कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं समझता हूँ एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी पेड प्रॉपरली एक प्रॉपर आई थिंक सिस्टम अरेंज करना चाहिए सीनियर और जूनियर में hmm. और इस चीज़ को बार एसोसिएशन को रेज करना चाहिए बार काउंसिल्स को रेज करना चाहिए कि एक बेसिक पे स्केल हर यंगस्टर के लिए बनाएं ताकि वह अपने पाँव पे खड़ा हो जाए पाँच छः महीने में एटलीस्ट hmm. देखें जब बुरा वक्त आता है तो फिर यू हैव टू रिजॉर्ट टू रॉन्ग थिंग्स यू डोंट वॉन्ट योर यूथ टू करप्ट आप उनका सहारा नहीं बनेंगे आज तो ये फिर गलत काम करेगी अगर आप उनको सिर्फ ट्रेन करेंगे और वो छह महीने बाद स्ट्रगल करने वापस शुरू हो जाएंगे मार्केट में जाके आपकी ट्रेनिंग के बाद हुँ. तो फिर आपकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं थोड़ा सा उनको इतना सपोर्ट करें कि वो अपने पाओं पे खड़े हो जाए एंड देन लेट दम गो स्विम यस एंड देन देखें फिर आप That क्या फर्क पड़ता है ये कि फेयर जब हम फेयर कॉम्पनसेशन की बात करते हैं इट शुड नॉट ओनली बी एंड आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस यंगर लॉयर्स स्पेशली लॉयर्सली स्टार्टिंग आउट एज एज फ्रेश ग्रेजुएट्स हम लोग वी आर वेरी डेस्परेट फॉर ट्रेनिंग कि हमें कोई काम सिखा दे कि ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं स्पेशली अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन के ग्रेजुएट्स हैं जो बाहर से आए हैं हमें नहीं पता कि पी क्या है सी क्या है ये हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके अब क्या करना है सो आई थिंक के वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड are also some sort of support because the industry is so uh, hostile एंड वी एज अ वुमन ऑल्सो एंड एज आई थिंक फॉर फॉर मेल लॉयर्स एज वेल कि आप सुबह से आठ बजे जा रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप धक्के खा रहे हो आपको पसीना आ रहा है आपको आप जिस चेम्बर में खड़े हुए हो कोर्ट uh, रूम इतना सा है उसमें okay. बहुत ही ज़्यादा समझें एक फ़िज़िकल लेबर इनफैक्ट एक जूनियर मेल लॉयर से मैं बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि मैडम कोई इस बारे में बात नहीं करता कि हम धूप में होते हैं हमें एक् नहीं हो जाती है मैं लड़का हूँ मैं कैसे बोलूँ बट बट आई थिंक दीजा स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं

एंड द माइंड सेट शुड भी कि वो मेरा कोई गुलाम नहीं है मैं <laughs> मैं और उसका कोई मास्टर uh, नहीं हूँ मास्टर स्लेवरी नहीं है प्लस आई थिंक यू गिव दम द टूल सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट इन देन दे आर गुना ब्रिंग प्रॉफिट टू द फर्म इट सेल्फ आई थिंक दट लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी एबसेंट एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई बार लीडर्स आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इन दैट वे और लेट्स एड बड़ी बड़ी लॉफर्म्स हैं वो भी इस तरीके से नहीं सोच रही हैं विदेशन ऑफकोर्स मैं समझता हूँ मैडम आपने बिल्कुल बात वजह की है ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है आई थिंक हर वकील को ये सोचना चाहिए कि ये इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है टू वर्ड सोसाइटी आई थिंक ना सिर्फ उसको प्रोबोनो केसेज करने चाहिए फॉर दोज कॉन्ट अफोर्ड हज सर्विसिज़ बल्कि उनको इस प्रोफेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए बाय हायरिंग दोज हु वोंट बी एबल टू गेट अ जॉब एल्स उनको ट्रेन करें जो लम्स का ग्रेजुएट है उसको मिल जाएगी नौकरी आराम से जो बाहर अमेरिका से कैनेडा से मिलकर पढ़ कर आ रहा है उसको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी आपके लोकल ग्रेजुएट्स हैं आप उनको नेटवर्क दें आप उनको सिखाएं आप बेशक छः महीने के लिए उनको सिखाएं लेकिन उनको ऐसा करें कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें Hmm. उसके बाद आप उनको रिलीज कर दें थैंक यू आई 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 प्रपोज दैट दिस इज समथिंग द बार एसोसिएशन शुड मैंडेटरी डू फॉर द यूथ बिल्कुल नो दैट इज समथिंग दैट्स द नीड ऑफ द आवर आल्सो विद जैसे आपने कहा कि सो मच ऑफ इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स सो बस फाइनल कुछ क्वेश्चन में ये होंगे कि बार काउंसिल्स में डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं आपने मैंशन किया एंड um, बार एसोसिएशन के अलावा जो बार काम जैसे आई लुक इन टू द अमेरिकन बार सो दैट्स अमेरिकन बार एसोसिएशन जैसे है उसमें डिफरेंट कमेटीज़ हैं जैसे कि इफ़ अ सोलो लॉयर तो उसमें दे हैव यू नो बंच ऑफ सोलो लॉयर्स हु आर गिव डूइंग फ्री वेबिनार्स फ्री वर्कशॉप्स जस्ट के देर गिविंग बैक वट एवर देर लर्न एंड दे इज अ नेटवर्क दैट हेल्पिंग दैम एज वेल सो हम आप यू नो यूर स्टैंडिंग फॉर द ऑनरे सेक्रेटरी पोजिशन योर कैंडिडेट फॉर दिस ईयर्स सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन सो वुड यू प्रपोज दैट इस तरह के सिस्टम होने चाहिए कि कमेटीज हों जो कि सोलो लॉयर्स को भी हेल्प करें और इनक्रेज भी करें लॉ um, फर्म्स में भी कॉरपोरेट uh, की एक कमेटी हो फिर यू नो क्रिमिनल लॉ की कमेटी हो एंड सिस्टम इज़ वेरी रिफाइंड एंड डिफाइंड कैन वी टेक इंस्पिरेशन फ्राम देट एंड इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दैट हियर एंड इज़ दैट योर विजन वी कैन डेफिनेटली डू समथिंग लाइक दैट एंड वी शुड लर्न फ्राम द बेस्टली फ्राम एंड यस अमेरिका एंड इंग्लैंड आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने अपना प्रोफेशन बहुत ज़्यादा डिवेलप किया और इट्स प्राइमरली बिकॉज दे हैव इन्वेस्टिड इन ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो देर वेरी प्रोग्रेसिव उन्होंने अपने आप को ये पेपर uh, बैक सिस्टम से ख़त्म करके एलक्ट्रॉनिकली yes. अपने आप को अपडेट किया हुआ है मैं समझता हूँ ये सारी कमिटीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए आई थिंक बार एसोसिएशन नीड टू वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल अगर आपको इस प्रोफेशन को बेहतर करना है तो आई थिंक जो अब आपका सीनियर या मिड चला गया है उससे आपको हट के अपना फोकस यूथ पे करना पड़ेगा जो अगले दस साल में इस प्रोफेशन को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे अगर आज ये कमिटीज़ नहीं बनती हैं yes. आज ये फोकस आपका यूथ पे नहीं आता है तो मैं समझता हूँ कि अब नेक्स्ट फाइव सिक्स इयर्स विल बी द लास्ट यू विल सी ऑफ दिस प्रोफेशन उसके बाद फिर ये वही फिश मार्केट बनी होगी जो बाकी प्रोफेशंस का भी हाल है सो आई थिंक येस यू आर एब्सोल्युटली राइट दिस इज समथिंग वी नीड टू डू टुडे अगर आज की भी काबीना ये सोचती है चाहे वो कराची बार हो या हाई कोर्ट बार हो आई थिंक बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड ये कमिटीज़ होनी चाहिए एग्जिस्ट करनी चाहिए और स्पेशली फोकस्ड होनी चाहिए ऑन दोज हु आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन यस Survival is is the word. Uh, so yes. this is something uh, I think I think it'll be very encouraging for everybody. Yes. Um may I d bar association or councils, uh Supreme Court may e um लाइव प्रोसीडिंग्स चैनल्स पे दिखाई जा रही थी इंडिया uh, में भी यही है इंडिया में हाई कोर्ट्स की प्रोसीडिंग हो सुप्रीम uh, कोर्ट की हो तो उसको प्रॉपरली आप लाइव स्ट्रीम करते हो इससे मुझे लगता है कि फ़ायदा बहुत तरफ से है uh, और पहला अगर फ्राम यंगर लॉयर्स परस्पेक्टिव में ये कहूँगी कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर जज साहब के कुछ सवाल हैं एंड आई थिंक इंडियन कोर्ट्स आर डूइंग रियली वेल कंपेरटिवली एज वेल तो uh, आप रेकमेंड करेंगे या आप uh, आपको क्या लगता है कि सिंध हाई कोर्ट में इफ़ यू ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिस विल सर्व एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और दिस विल सर्व एज एक्सपोजर देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स uh, कराची में बैठ के भी हो जाती हैं और यू डू डोंट हैव टू ट्रैवल टू इस्लामाबाद आप कराची से खड़े होके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अपना केस प्रोसीड कर सकते हैं ये बहुत अच्छा और वेलकम टेक्नोलॉजी थी जो आज से चंद साल पहले आई लेकिन उन्होंने उसके लिए एक फ़ाउंडेशन ले किया था जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में नहीं है हमारे पास इस वक्त किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जो हमें असिस्ट करें आप अगर आज जाएंगे हाई कोर्ट में तो शायद माइक भी काम नहीं कर रहे होते ये सोचना कि आप घर बैठे या आपका केस हैदराबाद में लाड़काना में लगा हुआ है तो आप कराची में बैठ के किसी ऑफिस में वो केस प्रोसीड कर लेंगे तो एट दिस मोमेंट इन टाइम आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल बट वी शुड स्ट्राइव फॉर इट आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम इन चीज़ों को चेंज करें तब्दीली लेकर ये जो हमारा इतना बड़ा फाइलिंग सिस्टम है कि आप हर रोज जाते हैं इतने बड़े बड़े बंडल लेकर जाते Papers, हैं पेपर yes. फाइल कर रहे हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है yes. हम अब ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड सेंचुरी में अब एंटर हो रहे हैं और हम अभी भी जो है फाइलें जो है रस्सियों में बंधी हुई हैं कपड़ों में बंधी हुई हैं This और जा रही है exactly. yes. तो आई थिंक अब हमें हर चीज़ कंप्यूटराइज करनी पड़ेगी अपना डेटा बनाना पड़ेगा

मैं पिछले दस से बारह साल हो गए मेरे ख्याल में पंजाब में लाहौर में जो इलेक्शन होते हैं वो एक कंप्यूटराइज मैनर में होते हैं हमारे हमारे पास कराची में पहली बार लास्ट ईयर हुए थे और, और उससे पहले एक दो साल पहले हुए थे इट इट एंड वी वी प्रेफर के नहीं हम पेपर पे ही करें आज भी बिल्कुल

तो ये इनोवेशन भी नहीं आ रही एक तरफ से लीगल रिसर्च सेल्स जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी है लाहौर हाई कोर्ट में भी है एंड द अदर थिंग इज़ द लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम द वे इट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द वे इट्स इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज वेल सो आई रियली फील के मे बी लॉ स्टूडेंट्स और लॉ ग्रेजुएट्स कुड दे पोटेंशल कुड बी रिकगनाइज एंड रियलाइज्ड इन दीज प्रोग्राम्स एज वेल सो वुड यू इन योर टेन्योर इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट We have been saying this, and we're trying to strive for it as well. A tried and tested, cheese which is successful in Punjab, Islamabad. I don't see any reason why we can't implement it. This reluctance to change, uh, is something you need to challenge. This mindset, I think uh, this mindset itself is one of the biggest causes, which has you know deteriorated this yes. profession. Yes. अब आपके पास 41 वन जजेस की कैपेसिटी है सिंध हाई कोर्ट में अगर इन सब के पास दो दो जूनियर्स हों यंग ग्रेजुएट्स आए ना सिर्फ वो छः महीने के लिए कुछ इनसे भी सीखेंगे बल्कि इनकी भी मदद करेंगे hmm. और फिर यहाँ से छः महीने या साल भर बाद जाएंगे तो दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट विच यू हैव डन इन दिस प्रोफेशन तो वो आगे जाके भी किसी को सिखाएंगे शायद खुद भी अब अच्छी प्रैक्टिस कर सकें

Coach them, teach them, yes you know, groom them, and utilize that service. Let them do the research, let them do some drafting, and you know, you also get to do your work, and they also get to learn. Yes, it's a great it's a win-win situation uh, exchange, for everybody. Yes, absolutely. Exactly. यही यही बच्चे जो आ, वापस आएंगे profession में, तो ना सिर्फ उनको पता होगा कि जज हजरत कितनी मेहनत करते हैं, उनकी इज्जत भी करेंगे। बल्कि जो उन्होंने उनसे सीखा होता है उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे यस एब्सोल्युटली सो आई थिंक आई एम वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट इफ देयर समथिंग एल्स थेमास अप वी वांट टू टॉक अबाउट देन यू नो वी हैव आई जस्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू एंड इट वाज इट वाज ग्रेट बीइंग हियर एंड दिस दिस अपॉर्चुनिटी समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर थैंक यू सो मच Thank you so much it was uh, thank you for making the time and um, this is the end of our podcast and um, hope to see you again on the Kanundan podcast series thank you